पूरे बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है। भागलपुर और पटना में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। शहर में डेंगू बीमारी को लेकर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इस पर लगाम लगाने को लेकर पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। इतना ही नहीं, आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मायागंज अस्पताल एवं सदर अस्पताल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डेंगू से बचाव के लिए हमारे सदर अस्पताल एवं मायागंज अस्पताल के डॉक्टर ने पूरी तैयारी कर रखी है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में 100 से ज्यादा बेड बनाकर तैयार किए गए हैं। वहीं सदर अस्पताल में 30 बेड की तैयारी की गई है और भी कई बेड को शाम तक तैयार कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि हम आसानी से डेंगू बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं आज के निरीक्षण में दोनों अस्पताल के कई अधिकारी व चिकित्सक मौजूद थे। तेज बुखार, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर के त्वचा पर लाल धब्बा होना, नाक मसूड़े से उल्टी के साथ खून निकलना आदि लक्षण डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी स्थिति आपको दिखे तो तुरंत चिकित्सकों से संपर्क करें। मायागंज हॉस्पिटल में सदर अस्पताल में जांच के लिए किट उपलब्ध है, साथ ही सभी प्रकार की जांच भी निःशुल्क की जा रही है। जिलाधिकारी ने शहरवासियों से अपने आसपास साफ सफाई रखने की भी अपील की है। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक से भी बात हुई है, किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर हम लोगों को सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तत्काल 100 बेड मायागंज में और 32 बेड सदर अस्पताल में बनाए गए हैं। बाकी जो भी कार्य बचे हैं आज शाम तक उसे पूरा कर लिया जाएगा। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 14 से 51 तक के पार्षद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा से अपनी गुहार लगाने पहुंचे। पार्षदों का कहना था कि नगर निगम के द्वारा ना तो सफाई का काम किया जा रहा है और ना ही लगातार फैल रही डेंगू को देखते हुए फॉगिंग का ही काम करवाया जा रहा है, जिससे आम जनता पूरी तरह से परेशान है। पार्षदों का कहना है कि नगर आयुक्त, मेयर और डिप्टी मेयर के द्वारा नगर निगम में तानाशाही रवैया अपनाया जाता है और आम जनता की सुविधा के लिए कहीं से भी कुछ काम नहीं किया जा रहा है और चारों तरफ व्यवस्था और घोटाले का राज चल रहा है, जिसको लेकर पार्षदों ने विधायक से मिलकर इस मामले को मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक इसे पहुंचाने की गुहार लगाई है। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने भी साफ तौर पर कहा कि नगर निगम क्षेत्र में कहीं पर भी फॉगिंग नहीं हो रही है और न ही सफाई की मुकम्मल व्यवस्था है। नगर आयुक्त पर विधायक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सिर्फ निजी कंपनियों से काम करवाकर कहीं न कहीं बड़ा घोटाला कर रहे हैं, जिसकी जांच अगर मुख्यमंत्री करा लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग अपने वार्ड के सफाई, शहर की सफाई के लिए और जो डेंगू पूरा शहर में फैला हुआ उसके बारे में भी आए थे। जगह जगह नाल में पानी जमा है, जगह जगह पानी जमा, उससे बहुत दिक्कत होता है जनता को, पब्लिक को आने जाने में भी दिक्कत हो रहा है, कहीं कहीं एक्सीडेंट हो ही जाता है। ऐसा इतना इतना पानी जमा रहता है कि बाइक को लेकर लोग गिर पड़ जाता है, एक्सीडेंट होता है। डेंगू पूरा शहर में फैला हुआ है, जो कि अभी इतना डेंगू फैला हुआ है कहीं छिड़काव नहीं सही से हो रहा है। अगर हम इस मैटर में, इस बात पर हम लोग नगर आयुक्त या मेयर चाहे डिप्टी मेयर से बात करते हैं लोग, तो कोई हम लोग का सुनवाई नहीं होता है। उन लोग को जो मर्जी होता है वही करते हैं लोग। हम लोग कितनों कोई होगा, जब उन लोग का मर्जी रहेगा तभी काम कोई करेगा। भागलपुर के नगर विधायक परम आदरणीय अजीत शर्मा जी से मिलने आए थे। विधायक होने के नाते और हम पार्षद होने का नाते वो हमारे बड़े भाई हैं और ये नगर की जिम्मेदारी हम लोगों के साथ साथ परम आदरणीय विधायक महोदय को भी बनती है कि वो पूरे नगर को देखे और ये उनकी ही जिम्मेदारी भी है। और जिस तरह से नगर आयुक्त महोदय के द्वारा सफाई व्यवस्था से लेकर के अन्य व्यवस्थाओं पर लूट खसोट मचाया हुआ है और कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है और कंपनी का बचा करके जो है उसका धन जो है सिर्फ जो है अपने पॉकेट में लेने का कार्य कर रही है, हम लोग उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह से नगर निगम में बोर्ड को लगाया गया है, क्या जिला परिषद में इस तरह की बोर्ड लगी है, क्या नगर परिषद में इस तरह की बोर्ड लगी है या और नगर पंचायत में कहीं लगी है या समाधान में लगी है? ये सिर्फ पार्षदों को दमन करके और पार्षद चुप रहे और पार्षद यदि कुछ बोले तो उस पर जो है हम कार्रवाई, झूठा आरोप लगा के तरह तरह की कार्रवाई नियम संग करके और हम उसको फंसाएं और हम जो है लूट खसोट करते रहें। वार्ड के जनता के प्रतिनिधि होते हैं
उनकी जो भी उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। मुझे भी पता है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से ही पहले ही बात किया है कि नगर आयुक्त काम सफाई का भी नहीं कर रहा है, लूट मचा हुआ, ये मैंने पहले भी बात किया है। और इन लोगों ने जितनी बात लिखी है, चाहे वो डेंगू का जो छिड़काव होना चाहिए बचाव के लिए वो है, चाहे वो आपका जो सफाई, आप देखिए मेरे घर के पास ही परसों आप वीडियो आप देखिएगा, मैं तो चाहूँगा कि सभी पार्षद भाई बहन हमको वीडियो जहाँ भी कचरा है उसका बना के भेजें ताकि मैं माननीय मुख्यमंत्री को भेज सकूँ, नगर विकास मंत्री जो उप मुख्यमंत्री है उनको भेजें। लेकिन बिल्कुल ये सत्य है कि जब से ये नगर आयुक्त आए हैं कोई काम शहर में गंदगी पड़ा है, कोई ध्यान नहीं है। जो आपका कर वसूली हो रहा है मकानों से, वो प्राइवेटाइजेशन करके दिए हैं, उसमें क्या है, अगर वो प्रधान सचिव और माननीय मुख्यमंत्री कमेटी बना के जाँच कर दें तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। चारों तरफ से वो लूट मचाए हुए हैं, निश्चित तौर पर आपको बता दें इस पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे जो शक्ति जनता ने दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात करूँगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैसे तो सरकारी स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जब स्कूल के शिक्षक ही चोर निकले तो फिर शिक्षा क्या और स्कूल क्या। हालांकि बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के पाठक उसे पूर्ण रूपेण सुधारने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो उनके इस प्रयास को पूरी तरह से विफल करने पर आमादा हैं। पूरा मामला नगोछा अनुमंडल के नगरा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय पासवान टोला नगर से सामने आया है, जहां की प्रधान अध्यापिका व शिक्षिका के मिलीभगत से करीब 350 बच्चों का मध्याह्न भोजन, पोशाक राशि, छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं का फर्जी निकासी किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रधान अध्यापिका कंचन कुमारी अपने रसोईया के माध्यम से मध्याह्न भोजन का चावल व अन्य सामान प्राइवेट दुकानों में सेल करवाती हैं। साथ ही साथ स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे भी बच्चों का नाम स्कूल में है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब स्थानीय लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो लोगों का कहना है कि प्रधानाध्यापिका का यह रवैया कई सालों से चल रहा है, जब भी बोलने जाते हैं तो हम लोगों को गलत आरोप में फंसा देने का आरोप लगाकर वो कहती हैं कि फंसा दूंगी, इसलिए हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। जब हमारे मुखिया व वार्ड पार्षद द्वारा शिकायत की गई तो उन्होंने उल्टा इनको ही रंगदारी का आरोप लगाते हुए DM को आवेदन दे दिया। उधर वार्ड पार्षद का कहना है कि BO साहब जब जांच में आए और निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि किस प्रकार फर्जी रूप से पोशाक राशि, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति की जितनी भी राशियां हैं पूरी तरह से फर्जी तरीके से उठाया गया है। BO ने निरीक्षण करने के बाद बताया कि प्रधानाध्यापिका पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित दिख रहे हैं। प्रधानाध्यापिका स्पष्ट रूप से जवाब देने में भी असमर्थ हैं। इन पर उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जांच जो है छात्रवृत्ति पोशाक ये सब के बारे में कहा गया था, हमने मेधा सोफ्ट का किया है, उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम नहीं है या विद्यालय नहीं आते हैं, उनको भी लाभ मिल गया है। हमने इस संबंध में प्रधानाध्यापिका से पूछा है, उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हम उसकी छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच करके और भी कुछ जांच बाकी है, जो जांच पूरा करके उसका प्रतिवेदन हम उच्च अधिकारी को दे देंगे। कार्रवाई उच्च अधिकारी के द्वारा की जाएगी, हम जांच प्रतिवेदन उच्च अधिकारी को। प्राथमिक विद्यालय पासवान टोला से यहाँ के जो HM हैं उनके द्वारा शिकायत गया था माननीय BO साहब को कि यहाँ पे अध्यक्ष जो है वार्ड अध्यक्षा महिला है वो रंगदारी मांगते हैं। रंगदारी मांगते हैं स्कूल में 20,000 टका, 5 क्विंटल चावल ऐसे सब कुछ दिए थे, तो BO साहब जांच कर ले, ऐसा कोई बात नहीं है। BO साहब आपके समक्ष हैं, इस पे कोई मैटर ही आई, बाकी बहुत सारे चीज सर जांच किए हैं, वो रिपोर्ट देंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिसका नाम नहीं है, उसको लाभ मिला है।
पेमेंट कहाँ जाता है? पेमेंट वो उसके खाता पे गया है, गलत बच्चे के नाम के खाते। शिक्षक के पास रिकवर कैसे होता है? अभी नहीं बता सकते शिक्षक कैसे रिकवर करते हैं, हमको नहीं पता है। अब शिक्षक किसके भेजा, किससे रिकवर करता है, कैसे करता है, तो शिक्षक जाने। कितने बच्चों का नाम ऐसा होगा? ऐसे तो अभी हम लोग 10 नाम जांच किए हमारे माननीय बीओ साहब, जिसमें हमको लगा 8 गलत ही था, 10 में से 8 वन क्लास का जांच हुआ है, ओनली वन क्लास का जांच हुआ है। कुल में टोटल बच्चे कितने? अभी तत्काल 101 बच्चे की रिपोर्ट दिया गया है। कितने ऐसे नाम है जो की फर्जी रूप से पेमेंट? अभी 101 जो है वो लगभग उसमें 4-10 नाम होगा बेसिस में, लेकिन पूर्व में बहुत ज्यादा 22 नाम बहुत ज्यादा है। पहले अभी हुआ, पहले से बच्चा नाम में दर्शा के पेमेंट भी ले रहा है। दीपक बरतास नाम क्या हुआ है? अरे मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा कन्यान का नाम है, बच्चा भी नाम है, स्कूल में पैसा उठा रहा है। कंचन मैडम? कौन है कंचन मैडम? अध्यक्ष प्रभारी है। ऐसे कितने बच्चे के नाम? ऐसे बच्चे के नाम से 53। आपका क्या नाम? मेरा नाम एक बच्चा का है। आपके एक बच्चे का? हाँ एक बच्चा, लेकिन बच्चा है कहाँ, स्कूल में नहीं है, ऐसे फर्जी कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक पासवान है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा जारी पार्ट 2 के रिजल्ट में सैकड़ों छात्रों के रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया गया है, जिससे उन्हें पार्ट 3 का फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। इसको लेकर एबीवीपी ने प्रतिकुलपति से मिलकर इसके निदान की मांग की। विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष सिंह तोमर ने कहा कि पार्ट 1 एवं पार्ट 2 के कई छात्रों का कॉल आया है, जिन्हें अब्सेंट कर दिया गया है। इसके बाद इस संबंध में प्रतिकुलपति से मिलकर वार्ता हुई, जिसके बाद प्रतिकुलपति ने कहा है कि फॉर्म भरने के साथ ही इस समस्या को तेजी से निपटाया जाएगा। पार्ट 2 के छात्रों का अगर रिजल्ट पेंडिंग भी है तो वे सभी पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पार्ट 1 में जिनका रिजल्ट पेंडिंग है वैसे छात्र भी आवेदन जमा कर सकते हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर परीक्षा नियंत्रक से भी बात की जाएगी। फॉर्म का एडमिशन फी और फॉर्म का परीक्षा फी लगेगा। एडमिशन का फी सरकार की तरफ से फ्री है, परंतु परीक्षा शुल्क लेना है। परीक्षा अपना जो यूनिवर्सिटी की परीक्षा एग्जामिनेशन फी है वो देना है उसको, और 1 रुपये के अपना रसीद कटाकर अपना कैफे से अगर वो दे सकती है। सर भाई साहब तो फिर इसके लिए फी लिया नहीं, उस समय चिट्ठी हमको नहीं मिली थी। आदेश जारी किया तो कितने बच्चों का पेमेंट किया गया है? करीब करीब वही 20-25 लड़की का है, यही पर जो थी वही 20-25 लड़की का कल से स्टार्ट हुआ तो आज वो बंद कर दिया था। आज सुबह में 10 बजे से ही हम विश्वविद्यालय की तरफ से महाविद्यालय को सूचना था इसका कि मैंने चिट्ठी हमको प्राप्त नहीं हुई थी। चिट्ठी प्राप्त हुई थी इसकी, प्राप्त हुई थी, मगर मैंने कर्मचारी लोग को फिर क्यों लिया जा रहा था? क्यों लिया था फिर? नोटिफाई हुआ ये सब पहले ही क्या होगा, पहले का ही पहले के सेशन में सीधे कहे यहाँ कर्मचारियों की गलती के कारण मैंने हो गया। हमको सीधा सी दिक्कत है, हमको देता तब ना, हमको लेटर नहीं मिला था इस कारण से हम उसको नहीं हो गई तो आज उसके कारण से हम आज सबको चेक के द्वारा सब माध्यम से सबका पैसा लौटा देंगे। तब तक उनका पैसा मैं इस वीक के लास्ट में लौट जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तहत पूरे भारतवर्ष में 9 सितंबर को इस वर्ष का 3रा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर में केस निष्पादन के लिए कुल 25 बेंच बनाए जाएंगे, जिसमें भागलपुर सदर में 17, कहलगांव में 2 और नवगछिया में 6 बेंच बनाकर कई वादों का निष्पादन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में 9 सितंबर को न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामलों के अतिरिक्त एप्लीकेशन स्तर पर बैंक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्थाओं के मामलों के अलावा कई आपसी सुलह समझौता भी निःशुल्क कराए जाते रहे हैं। वहीं आज उसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि इसके लिए हम लोगों ने 1 सितंबर से लगातार जागरूकता रथ भी निकाला है। वह रथ लोगों को गांव-गांव का जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने केस निष्पादन करने को लेकर जागरूक कर रहा है। हम लोगों ने कई नोटिस भी जारी किए हैं, उम्मीद है कि इस बार सबसे ज्यादा केस का निष्पादन होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी पक्षकारगण अभियुक्तगण अपने मामले का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करना चाहते हैं वो अपना प्रार्थना पत्र स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय कार्यालय में प्रस्तुत करके अपने मामलों का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले का निष्पादन बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। इस साल का 3रा लोक अदालत 9/9/2023 को का आयोजन होने वाला है, जिसमें से हम लोगों ने
अभी तक 33,000 नोटिस किया है प्री लिटिगेशन में, 3163 नोटिस किया है पोस्ट लिटिगेशन के केसेज में, और हमारे द्वारा यहाँ पे 25 बेंच बनाए गए पूरे भागलपुर में, जिसमें से भागलपुर सदर में 17 हैं, नौगछिया में 6 और कहलगांव में 2। इसके अलावा हम लोगों ने प्रचार के लिए अपनी प्रचार गाड़ी को भी भेजा है प्रचार प्रसार करने के लिए लोक अदालत के लिए, जो 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक प्रचार हो रहा है, अलग अलग स्थानों पर जाके उसका प्रचार हो रहा है लोक अदालत का, भागलपुर में भी, नौगछिया और कहलगांव में भी। 1 सितंबर से 8 सितंबर तक। इसमें बैंक से रिलेटेड जो भी मामले हैं उनका निष्पादन किया जाएगा, NI एक्ट के मामले, कोर्ट में जो भी कंपाउंडेबल केसेज है उनका मामला, बिजली का मामला, पानी का मामला, ये सब बातों का। भागलपुर जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग के द्वारा आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में नवनिर्मित टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यालय में अच्छे कार्य और अच्छे आचरण को देखते हुए जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कमिश्नर दयानिधान पांडे, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, DDC द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। उसके बाद बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिससे दर्शकों का मन बच्चों ने पूरी तरह से मोह लिया। वहीं किलकारी के बच्चों की प्रस्तुति भी काफी उम्दा थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का अलख जगाना होगा। शिक्षा ही मूल मंत्र है, इसलिए गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और उनसे ली हुई शिक्षा हमें लोगों तक बांटनी चाहिए, जिससे हम अपने शहर ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर सकें। संसाधनों की कमी हम लोग मान करके चलते हैं कि ठीक है, संसाधन जो है सब जगह हो सकता है कि जितना होना चाहिए उस हिसाब से रिसोर्सेज ना हो, लेकिन उन्हीं कम रिसोर्सेज में से कुछ विद्यालय कुछ संस्थान काफी अच्छा कर लेते हैं और कई ऐसे विद्यालय संस्थान पीछे छूट जाते हैं, जिनके संबंध में खुद उन विद्यालयों को उस पूरी टीम को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। ये इंडिविजुअल से ज्यादा जो है एक टीम का होता है, एक पूरी जो टीम काम करती है, एक जो पूरा एक मैकेनिज्म होता है वो काम करता है, तभी कोई अच्छा रिजल्ट हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। अभी तो शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने जब कोरोना की अवधि के बाद क्लासेज जब एक तरीके से चलना फिर से रेगुलर रूप से स्टार्ट हुई, तो हम लोगों ने प्रधानाध्यापकों का वर्कशॉप कराया, कार्यशाला कराई, बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें हमने ये कहा कि मैं वहाँ कम बोलूंगा, आप लोगों की ज्यादा सुनूंगा। उसमें जन्माष्टमी और चेहल्लुम को लेकर भागलपुर शहर में प्रशासन और शांति समिति के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी और चेहल्लुम को लेकर निकाले जाने वाले शोभा यात्रा और जुलूस के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश पर चर्चा हुई। वहीं सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने कहा कि जिले में जन्माष्टमी के आयोजन स्थलों और जुलूसों को योजनाबद्ध तरीके से और व्यवस्थित ढंग से निकाला जाएगा, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उनके साथ ही साथ चेहल्लुम के जुलूस और अन्य आयोजन से संबंधित अखाड़े को सूचीबद्ध कर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उपद्रवियों पर विशेष नजर रखी जाएगी, उसके लिए ड्रोन कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी भी तरह की अफवाह या उन्माद फैलाने की कोशिश की गई तो ऐसे किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं शहरवासियों से अपील करते हुए भागलपुर पुलिस ने एकता व भाईचारे बनाकर रखने की बात कही। सिटी DSP ने कहा कि हम लोग सभी पर्वों को अच्छे ढंग से मनाते आए हैं, कृष्ण जन्माष्टमी और चेहल्लुम भी अच्छे से संपन्न होगा। वहीं उन्होंने कहा कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था रहेंगे, इसके लिए महिला पुरुष पुलिस बल एवं अन्य बल भी शहर में तैनात रहेंगे। चेहल्लुम और जन्माष्टमी को लेकर मंडल स्तर पर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शहरी क्षेत्र के सभी शांति समिति के सदस्य, ड्रोन कमेटी के सदस्य, समिति के सदस्य शामिल हुए और शहरी क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष भी शामिल हुए। SDO, DCLR और SP ट्रैफिक भी थे, जिन्होंने ट्रैफिक पर बात की। जो भी नगर निगम से समस्या है, बिजली से समस्या है, पानी और जल से समस्या है, उनको नोट किया गया और उस पर जो भी निराकरण हो सकता है उस पर चर्चा हुई है। साथ में जो हम लोग जितने पर्व त्यौहार को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मना रहे हैं उस मनाने की बात पे चर्चा हुई है। हम लोग इस बार भी वीडियोग्राफी और ड्रोन से मॉनिटरिंग करेंगे, CCTV लगाए जाएंगे और सभी जगहों पे
सभी संवेदनशील स्थानों पर भी हमारा फोर्स रहेगा और जो महिला का सेमी धर्म रहेगा हमारा टाइगर मोबाइल भी रहेगा और क्यूआरटी भी गठित कर दी गई है तो बहुत ही चाक चौवन व्यवस्था रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवाज आलम उर्फ अनवर आलम के अंग प्रदेश भागलपुर में पहली बार आगमन पर उनका स्वागत एवं सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर किया गया। एक दिवसीय सम्मेलन कार्यक्रम में आगामी 2024 और 25 में होने वाले चुनाव में पार्टी को किस तरह मजबूत किया जाए और तेजस्वी यादव को किस तरह कुर्सी पर ताज पहनाकर बिहार की बागडोर उनके हाथ में दी जाए उस पर चर्चा की गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों को 2024 और 25 में पूर्ण बहुमत से जीतना है और बिहार को एक नया विकसित बिहार बनाना है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवाज आलम के अलावे बांका के पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव, पीरपैंती के पूर्व विधायक रामविलास पासवान, नाथनगर विधायक अली असरफ सिद्दीकी, राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के दर्जनों अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। मकसद है कि राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता लालू यादव जी और भाई तेजस्वी जी ने जिस भरोसे और एतमाद के साथ, जिस जो है सोच के साथ लगभग डेढ़ माह पहले हमें राष्ट्रीय जनता दल अखिलेश प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया, उनका मकसद है कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को जिला से लेकर प्रखंड तक कैसे मजबूत किया जाए और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को कहां तक मजबूत किया जाए, उसको प्रखंड से लेकर पंचायत तक कैसे पहुंचाया जाए। उनकी जो सोच है कि 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव में जो गठबंधन इंडिया बना है उस इंडिया को की जीत कैसे सुनिश्चित हो, उसको हम संगठन में जो कमियां रह गई। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैवीनाथ धाम में रविवार की देर शाम चौक बाजार पे एक युवक का हाथ ट्रेन से कटने पर अपने एक हाथ को दूसरे हाथ में लेते हुए घूमते हुए देखा गया। इस युवक की पहचान बांका जिला के फुल्ली डूमर निवासी राधेश्याम यादव के पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई है। युवक किसी के शव यात्रा में शामिल होने शमशान घाट आया था। वापसी में सुल्तानगंज स्टेशन में देर शाम ट्रेन पर चढ़ने के दौरान हाथ कट जाने पर यह घटना होने की बात कही जा रही है। सुल्तानगंज पुलिस की नजर पड़ने पर युवक से पूछताछ करते हुए उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेज दिया गया है, जहां डॉक्टरों के द्वारा युवक की स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है।